तो देख मोए मोए निकल जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरे सुबह का ब्लॉग और बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बंदरिया तो यहाँ पे मैं आई हूँ बेटी को छोड़ने के लिए वैन के अंदर स्कूल के लिए। पेड़ बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो यहाँ बस आने वाली है। तो बस का हम तीनों वेट कर रहे थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया आपके साथ। ये मेरे घर के पास ये दल धूल रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर और मुझे अपने बालों में लगाना था एक हेयर मास्क। तो एक अच्छा रेमेडी बता रही हूँ आपको हेयर मास्क का, ज़्यादा नहीं कर सकते, हफ्ते में दो बार ज़रूर लगाना, ज़्यादा टाइम ना हो तो एक बार तो अप्लाई कर सकते हो। हेयर मास्क हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरा ना केला एकदम से बेकार हो गया था, उतना बेकार नहीं, खाने लायक नहीं था, बट बालों में आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो हमें ऐसा ही केला चाहिए, ज़्यादा पका हुआ जो मैसी केला होता है ना वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे मैश कर लूँगी, छील के एकदम बिल्कुल फाइन कर लेना है, जिससे कि हमारे बालों में अच्छे से ये अप्लाई हो जाए। इसके बाद इसमें क्या क्या डालना है, मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 चम्मच भर के दही। तो ये मेरे घर का बना हुआ दही है, आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है दही को। और नेक्स्ट इसमें जाएगा शहद, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के शहद लूँगी। शहद भी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं शहद को मिक्स कर लूँगी। इसमें 1 कोकोनट तेल, तो आप जो भी अपने बालों में तेल लगाते हो, ऑयल लगाते हो, वो डाल सकते हो। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा हो जाएगा हेयर मास्क रेडी। तो चलिए जी, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कमेंट में कि आपने तो लगा के बताया ही नहीं, तो मैं सारा डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने बालों को खोल के अच्छे से सुलझा लिया है कंघी करके, फिर आपको अच्छे से अपने बालों को लगा लेना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से लगाना है। मेरा इधर उधर फैल रहा है तो फैलना नहीं चाहिए, आप अच्छे से साफ कर लेना। लगाते टाइम क्या है, गिरता है इधर से उधर। तो यहाँ पर ना मैं अच्छे से कवर करके बालों को छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा आए हैं कुछ पार्सल मीशो से, और मीशो के साथ ना वही है ना, दिमाग ख़राब होने वाली चीज़ें रहती हैं, कहीं ना कहीं डाउट होता है, और वही मेरा डाउट आज हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक रैक मंगाई थी, और जो मंगाया वो चीज़ नहीं आई, और बहुत ही बेकार सा प्रोडक्ट मुझे कुछ रिसीव हुआ। कुछ इस तरीके की रैक थी और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं इसे करूँगी रिटर्न। उसके बाद 2 पार्सल और है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था बटर पेपर, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो खाना पैक करके रखना होता है। तो ये है मेरे बटर पेपर, तो ये बहुत अच्छे आए हैं, इसमें 2 हैं। और जिसको भी चाहिए होगा मेरे को बताना, मैं आपको इसका जो कोड होता है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और ये है लंच बॉक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कुछ स्टील में आते हैं, कुछ इस तरीके के हैं, तो मैंने ये वाले मंगाए हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी तो, बहुत अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा कुछ लीक वीक ना हो इसका। बाकी तो बहुत अच्छा स्पेस है इसके अंदर, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को पसंद है, दोनों में झगड़ा भी हो रहा है, मम्मा मैं ये लूँगा वो लूँगा, तो दोनों का यही है, या तो सेम कलर होना चाहिए, अब डिफरेंट कलर आए हैं तो बच्चों में थोड़ा चलता है। तो देखो मेरी बेटी आपको बता रही है कि मम्मा इसमें ये रखना है वो रखना है। तो यहाँ पे ना 4 इसकी जो होते हैं ना, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आप अच्छे से अपने बच्चों का खाना रख के पैक करके दे सकते हो। तो मैं आपको यहाँ खोल के दिखा देती हूँ। देखो कुछ इस तरीके का बटर पेपर है, तो बहुत अच्छा है ये, सिल्वर फॉइल से अच्छा रहता है बटर पेपर, सिल्वर फॉइल जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना बढ़िया। तो इसमें देखो मंदिर आ गए हम लोग शाम का टाइम है, और ये देखो दोनों चल रही है भजन कीर्तन करने माता रानी का, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। अरे गाओ ना, क्या हुआ, गाओ गाओ बेटी। गाओ
गा ले बहना। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, पे ना माता रानी की चौकी लगाई गई है और कलश स्थापना भी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घर में इस टाइम नहीं हुई है, कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो मैं मंदिर में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी माता रानी भी बहुत सुंदर लग रही है, और बच्चों के संग ना हम भी बच्चे बन जाते हैं तो बिल्कुल बन जाते हैं, बहुत मज़ा आता है बच्चों के संग अपनी लाइफ को जीने में। तो देखो बच्चे भी यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे हैं, शाम के टाइम सारे बच्चे वहाँ मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पूजा भी करते हैं। तो बच्चे ना कहते हैं ना कुछ सीखते हैं हम लोगों से, जो हम करेंगे तो बच्चे वही करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पहली बार देख रहे हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा इसमें। और ये देखो टंकी है, अरे हट जाना, देखो ये जो घंटा होता है मंदिर में उसे बजाने का तरीका, तो घंटा तक जा नहीं पाती तो इस रैलिंग पे जाएंगी और इसका जो धागा होता है उसे पकड़ के हिलाना होता है। जो उसे बोलो जय माता दी, तो बोलो ना, ये तीनों जय माता दी बोलो के जयकारे लगा रही है। मेरे को देख के शर्मा रही थी, अरे बोलो, तो मैंने बोला चामुंडा देवी हो, चामुंडा देवी हो, बोलो सामने लगा दो। तो यही है, तो मैं प्यार से चामुंडा देवी बोल रही, चामुंडा देवी मैया का एक रूप है। जोर से बोलो जय माता, चलो घूमर घूमर डांस करो, छोटी छोटी बच्चे हैं तो माता जी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड आप ये देखो कीजिए, लग भाई गिर मत जाना, चक्कर आ जाएंगे। अरे चामुंडा देवी चक्कर आ जाते ऐसे, और तू आगे जा, आगे जा, आगे जा, इधर इधर जा आगे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी।